जिसकी दुकानों पर भी ईडी का छापा स्टार्ट हो गया लगना, सीबीआई जांच भी स्टार्ट हो गई, तत्काल प्रभाव से वो सरकार को वापस लेनी पड़ी। जब हम जेल में उससे मिलने गए, मांगेराम त्यागी जी उससे मिलने गए, तो उसने बताया कि मुझे यहां दो दिनों से आतंकवादी सेल में रखा गया है, यहां मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। तब जाकर के मांगेराम त्यागी जी ने यह आंदोलन की नींव रखी। कुछ कहते हैं कि आंदोलन क्यों हुआ, बेवजह हुआ, क्यों रखा गया, तो मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति ने जेल के बीच जब अंदर ये गए तो पीड़ित व्यक्ति ने अपने व्याख्यान इनको प्रकट किए, हमारे रोंगटे खड़े हो गए उसकी बात को सुनकर के। कहीं ना कहीं उसे विकास तुम्हें बना दिया जाता, कहीं ना कहीं जैसे आप देख रहे हो एक पार्टी विशेष के व्यक्ति को, एक पार्टी विशेष के नेता को, कभी मुर्गी चोरी के आरोप में, कभी किताब चोरी के आरोप में, कभी भूमाफिया के नाम पर, आज तक जेल से निकलने दिया गया है सरकार ने। कहीं ना कहीं यही प्रताड़ना हमारे इस समाज के व्यक्ति को मिलती। लेकिन जब हमारा समाज जागृत हुआ, खड़ा हुआ, कमिश्नरी परेड पार्क में धरना स्टार्ट हुआ, तो वो आंदोलनकारी लोग, आज पूरे समाज के वो आंदोलनकारी लोग आपके बीच में आए हैं। इसलिए आए हैं कि जो इस सरकार ने हमारे समाज के ऊपर जो अत्याचार किए, उसको लेकर के कहा, कहीं ना कहीं आप लोग भूल ना जाए, इसलिए आपको याद दिलाने आए हैं। आपकी इस विधानसभा में आज को आपको मौका मिला है। एक ये खतौली विधानसभा सीट है जिसके परिवर्तन हो जाने से सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इस बीजेपी सरकार की इस सीट को अगर हम बदल पाए, अगर हमारा समाज अपनी ताकत दिखा पाए, तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो उत्पीड़न हुआ था, जो हमारा समाज जागृत हुआ था, कहीं ना कहीं हमारी ताकत दिखाने का काम सरकार और मैं कहना चाहता हूं कि मांगेराम त्यागी कुतुबपुर चैन से अपने घर बैठने वाला नहीं है। और मैं उन भाइयों को भी कह देना चाहता हूं समाज के, जो आज भी बीजेपी बीजेपी कंट टकरा रहे हैं, कि बीजेपी से अच्छी पार्टी नहीं है। मैं कह देना चाहता हूं भाइयों, अगर ये नेता, अगर आपकी जैसे अन्नू त्यागी इला त्यागी को चोटी से पकड़ करके खचेड़ते हुए बाहर लाया गया, अगर आपकी बहू बेटी के साथ ऐसा हुआ होता, तो क्या आप आज भी बीजेपी सरकार अपनी बताते? कहीं ना कहीं उनके पीछे त्यागी टैग लगा हुआ है, इसलिए वो हमारे घर की बहू बेटी है। इसी से जोड़ करके आज हम आपके बीच में आए हैं और निवेदन करने आए हैं कि इस बीजेपी सरकार का जो विधायक कोई भी खड़ा हो, प्रत्याशी खड़ा हो, उसके खिलाफ वोट करें साथियों। मांगेराम त्यागी जिंदाबाद। क्योंकि अगर आप वोट की चोट नहीं दोगे, तो ये सब आंदोलन जितना आपने 2 महीने किया या 3 महीने किया, सब बेकार। त्यागी एकता जिंदाबाद। जो उत्पीड़न आपके साथ, आपके समाज के साथ हुआ, अगर आप यहाँ से अपनी सीट नहीं हरा पाए, तो फिर से ये उत्पीड़न दोगुनी स्पीड से आपके समाज के साथ स्टार्ट हो जाएगा साथियों। इसका संदेश आपके दर्जा 2014 में। और अगर आप इस सीट को हरा पाए, क्योंकि एक विशेष समाज से सीखिए, जाट समाज से सीखिए, विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा विरोध इस बीजेपी सरकार का जाटों ने किया। विरोध होने के बावजूद सबसे ज्यादा कैबिनेट मंत्री, सबसे ज्यादा मंत्री, यहां तक कि उत्तर प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष भी है, जाट समाज से इनको बनाना पड़ा। अगर आप अपना विरोध नहीं जताएंगे,
एकता नहीं दिखाएंगे, यह एकता नहीं दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं यह सरकार आपको अपना गुलाम समझेगी, हाथी पर रखेगी बिल्कुल। तो मैं कहना चाहता हूँ साथियों, आपके बीच में सभी आंदोलनकारी आए हैं आज, जो उस दो महीने के उपरांत सब आंदोलनकारी बैठे थे, जिन्होंने अपना एक एक दिन अपना काम छोड़ करके दिया, आपके बीच में आए हैं झोली फैला करके हाथ जोड़ करके। आपसे निवेदन करते हैं नामला वासियों कि अब की बार वोट की चोट से अपनी ताकत को दिखाने का काम करें। इसी के साथ मैं ज्यादा वक्त तो लूंगा नहीं, क्योंकि समय कम है, गांव दो तीन गांव जाना है हमें, तो कई कई गांव को केला कवर करें यही समय ज्यादा दो लोगों की तबीयत हमारे वरिष्ठ होगा तो बढ़ा रहा क्या लोगों ने और बुद्धिजीवी व्यक्ति हमारे बड़े भाई प्रदीप त्यागी जी दौलतपुर बागपत से वो आए और अपनी बात रखे। आज की सभा के सभापति जी, सम्मानित साथियों, नावला गांव के सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों, ज्ञानेश्वर भाई ने बात तो सारी बता दी, कुछ बचा नहीं, लेकिन एक चीज छोड़ गए शायद मेरे लिए। नोएडा प्रकरण तो हुआ सबके संज्ञान में, इस बीच में एक प्रकरण और भी हुआ, याद हो आपको, खजूरी में दीपक त्यागी की हत्या कर दी गई, सिर काट कर ले गए, 6 दिन सिर बरामद नहीं हुआ। मांगेराम जी की टीम में भी उसमें शरीक था, हम लोग खजूरी में गए, रोड जाम किया, SIT का गठन हुआ, 4.5 घंटे में सिर बरामद हुआ, जाली तरीके से पुलिस ने खोल दिया सारा, जांच उसकी अभी भी जारी है, नार्को टेस्ट की प्रक्रिया चल रही है। कोई भी बीजेपी का लीडर, कोई भी हिंदू संगठन का व्यक्ति उसने गंवारा नहीं किया खजूरी जाके कम से कम ये तो पूछ ले कि तुम्हारे साथ हादसा कैसे हुआ। और हम कहते हैं हिंदुओं की सरकार है, कहां है हिंदुओं, हिंदुओं की सरकार कहां है? हमारे बीच के आदमी दीपक त्यागी के पिताजी को लेकर लखनऊ चले गए मुख्यमंत्री से वार्ता हो, मुख्यमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया, मेरठ में धरना चल रहा था, मुख्यमंत्री का धरने से 100 मीटर दूर पर प्रोग्राम था, मुख्यमंत्री ने गवारा नहीं करा कि त्यागी समाज के लोगों से वार्ता भी कर ले। और हम बंधवा मजदूर बने हुए हैं बीजेपी के, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक जिला मुझे बता दो जिसमें इन्होंने कोई त्यागी समाज का आदमी भूमिहार समाज का जिला अध्यक्ष बनाकर रखा, एक जिला बता दे, कहां बनाए हैं, कोई मंडल अध्यक्ष है, कोई मंडल अध्यक्ष है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, केवल हम लोगों को काम सौंप दिया है कि दरी बिछाओ और हमारी सभा करो, एक और हम पे सौंप दिया कि राष्ट्रवाद का ठेका केवल त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज ने लिया, और किसी पे राष्ट्रवाद का ठेका नहीं, राष्ट्रवाद का ठेका भी हमें दे दिया, हमें चीज और मुक्ति में दिला दी गई, वसुधैव कुटुंबकम ये हमें मुक्ति में दिला दिया गया जब हमने पैदा हुए जन्म लिया, ये सारे ठेके त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज को दे दिया गया। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमारे बीच में भी हमारे सम्मानित साथी हैं जो राजनीति में अपनी इच्छा से आए हैं, उनकी भी आकांक्षाएं हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, कि जिस पार्टी को हम हमारे साथी कहते हैं 99% नहीं गलत है, 150% वोट से त्यागी समाज देता हो, आप लोग कहोगे 150% कैसे, हमारे खेत में जो काम करते हैं, हमारे साथ में जो काम करते हैं, जो हमारे गांव में रहते हैं, हम लोगों के प्रभाव में वो भी बीजेपी को वोट करते हैं, इसलिए हमारा वोट 150% मिलता और हमें मिलता क्या है, दुत्कार, अपमान, 880
इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं मिलता। कई सारे साथी हमारे कह रहे हैं जनसंख्या कम है। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बात कही थी, चिड़ियन के मैं बात लड़ाऊं, 1,25,000 से एक लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहा। और मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूं, 6 जनवरी 1983 को हम लोग चले थे कन्याकुमारी से पैदल यात्रा करते हुए, केवल मात्र 25 आदमी थे गोविंद भाई, केवल 25 आदमी। और जब हम दिल्ली पहुंचे थे 25 जून 1983 को, तो कम से कम 25,00,000 आदमी दिल्ली के अंदर, तो 1,00,000 इलाका में मंजिल मकसूद को लोग मिलते गए कार्डो। और ये चैलेंज अगर आप लोगों ने इस विधानसभा क्षेत्र में इनको वोट की चोट नहीं करी, तो साथियों जो अपमान अब हुआ है इससे 100 गुना ज्यादा अपमान आपका होगा, कोई रोक नहीं सकता। इन लोगों के दिमाग में बिल्कुल पूरी तरह से भरा हुआ है कि त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज तो ऐसा समाज है, तो तुमसे हटकर जा नहीं सकता। हम लोगों की भी आदत है, बीजेपी वाला वोट मांगने आता था, हम कहते थे जाओ यार, यहाँ जरूरत नहीं है मांगने की, यहाँ तो सपोर्ट तुम्हारा। लेकिन आज की तारीख में इसको बदलना होगा, अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी होगी। हम लोग लगे हैं, 2 महीने मेरठ कमिश्नरी पे धरना रहा है, गांव गांव हम लोग घूम रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं लोगों के, जो हमसे नाराज है उसे भी हाथ जोड़ के मना रहे हैं। हमारी कोशिश यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 17-18 सीट लोकसभा की ऐसी है जहां हम बैलेंस पावर, हम जिसे चाहेंगे उसे हरा देंगे, जिसे चाहेंगे उसे जिता देंगे।